हो जाता है और ये स्टूडेंट अपनी टीचर को पाने के लिए किस हद तक जाता है देखेंगे हम इस मूवी में। मूवी के लीड रोल में 30 साल की एक लाना नाम की टीचर हैं। लाना इस स्कूल में 10th तक के बच्चों को डच लैंग्वेज पढ़ाती हैं। लाना ने आज क्लास में टेस्ट रखा है, वो टेस्ट पेपर सभी स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और सभी को टेस्ट के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन पास करती है। टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में लाना अपनी चेयर पे बैठ जाती है और अपने काम में बिजी हो जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि उसके सामने चेयर पे बैठा एक लड़का इस क्लास में अभी नया आया होता है और वो उसको घूर रहा होता है। लाना की नजर इस नए स्टूडेंट पे पड़ती है और वो उस स्टूडेंट को अपने आप को घूरते हुए पकड़ लेती है, लेकिन ये स्टूडेंट अभी भी लाना को घूर रहा होता है। लाना फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करके फिर से अपने काम में बिजी हो जाती हैं, लेकिन ये स्टूडेंट अभी भी इस टीचर को घूर रहा होता है और टेस्ट देने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। लाना थोड़े गुस्से की नजर से उस स्टूडेंट को देखती हैं, लेकिन फिर अपने काम में बिजी हो जाती है। स्कूल के बाद में लाना अपनी डॉटर को दूसरी स्कूल से पिक करती हैं और जब वो कार को स्टार्ट कर रही होती हैं तो वो देखती हैं कि सामने वो नया स्टूडेंट अपने डॉगी के साथ घूम रहा होता है। लाना उसको ध्यान से देखती हैं। लाना की बेटी मॉम को घर चलने के लिए कहती हैं, तो लाना कार स्टार्ट करती हैं और फाइनली उस स्टूडेंट पे नजर मारते हुए घर की तरफ चली जाती हैं। नेक्स्ट डे क्लास में एक स्टूडेंट क्लास में सबके सामने अपनी स्पीच दे रहा होता है तो पीछे की बेंच पे बैठी दो लड़कियां हंसने लग जाती हैं। तो लाना उन दोनों लड़कियों को अपने फोन से खेलने के लिए मना कर देती है और कहती है कि फोन मेरे हवाले कर दो। वो लड़की फोन लाना को लाके दे देती है और जाते समय लाना को गाली बोलती है। तो लाना कहती है कि क्या बोला तुमने, तो वो स्टूडेंट बोलती है कि बहरी हो क्या। तो लाना कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे च बोला है। तो वो स्टूडेंट कहती है कि मैंने तुम्हें च नहीं बोला है, मैंने तुम्हें डर्टी बोला। लाना इस लड़की को अब क्लास से बाहर निकाल देती है। तो स्टूडेंट लाना को च बोल के चली जाती है और यहाँ पर वो लड़का लाना को वैसे ही घूर रहा होता है। लंच ब्रेक में लाना जब कॉफी पी रही होती है तो वो देखती है कि नीचे वही लड़का उस लड़की को जिसको क्लास से बाहर निकाल दिया था उसके साथ वो बदतमीजी कर रहा है। वो उसका बैग खाली कर देता है और उसकी साइकिल को फेंक देता है। ऐसा लग रहा था कि ये लड़का अपनी टीचर लाना को डिफेंड कर रहा है और उसके साथ उस लड़की के द्वारा की हुई बदतमीजी को पनिश कर रहा है। लाना फिर लंच ब्रेक में स्कूल की एक और टीचर को पूछती है कि वो जो नया लड़का आया है वो थोड़ा अजीब बिहेव नहीं कर रहा है। तो वो टीचर बताती है कि उस लड़के का नाम बेनी है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उस लड़के में कोई प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लाना को जब ये पता चलता है कि बेनी बिल्कुल नॉर्मल है तो वो स्कूल की छुट्टी के बाद में बेनी को कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और वो बेनी को एक खाली क्लासरूम में ले जाती है। वो बेनी को बैठने के लिए बोलती है। बेनी ने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया था इसलिए लाना उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है और तुम्हें स्कूल पसंद आया क्या। तो वो कहता है कि हाँ ओके है। तो लाना पूछती है कि तुम अपने क्लासमेट के साथ खुलते मिलते नहीं हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बेनी कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती। इस ब्लंट आंसर से लाना को कुछ समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। तो वो पास से एक चेयर उठाती है और उसके पास बैठ जाती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बताओ। और ये कहते हुए लाना अपना हाथ बेनी के पैर पे रख देती है। तो बेनी कहता है कि मुझे सच सच बताओ तुम्हें चाहिए क्या। इस बात पर लाना फिर से बेनी को करेक्ट करती है और कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो। लास्ट वीक मैंने तुम्हारे टेस्ट पेपर चेक किए थे, तुम्हारा स्कोर बहुत वीक है। मैं एज ए टीचर तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ। लेकिन बेनी हंसता रहता है और कहता है कि मुझे सच बताओ तुम्हें चाहिए क्या। जब बेनी बिल्कुल भी नहीं समझता है तो लाना कहती है कि मेरी मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। अब बेनी को सही तरीके से समझाने की लाना की ये कोशिश नाकामयाब रही। लाना अपने घर जाके सभी स्टूडेंट के स्कोर कार्ड चेक कर रही होती हैं, तो वो देखती हैं कि बेनी का स्कोर बहुत कम होता है और वो इसी बात को समझाने के लिए बेनी के साथ क्लासरूम में गई थी। लाना अपने घर में अपनी डॉटर और अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। अगले दिन क्लासरूम में छुट्टी के बाद में क्लासरूम से सारे स्टूडेंट चले जाते हैं तो लाना भी अपना बैग पैक करने लगती हैं और एक एक करके चीजें अंदर डालने लगती हैं। बैग पैक करने के बाद में जब वो क्लासरूम से
जा रही होती हैं तो वो देखती हैं कि वहां पर बेनी का बैग रखा हुआ है। वो बेनी के बैग को उठाती हैं और उसको ओपन करती हैं। ओपन करते हुए वो क्लासरूम के बाहर भी देखती हैं, कोई देख तो नहीं रहा। और फिर वो बेनी के बैग से उसका टी शर्ट निकालती हैं और उसको स्मेल करने लगती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लाना बेनी से काफी अट्रैक्टेड फील करती हैं, इसलिए वो उस टी शर्ट को स्मेल करती हैं। थोड़ी देर बाद में वो बेनी के टी शर्ट को उसके बैग में डाल देती हैं और वो अचानक ही देखती हैं कि जैसे कोई उसको क्लासरूम के बाहर से देख रहा है। वो इधर उधर देखती हैं लेकिन उसको वहां पर कोई भी नहीं मिलता। लाना घबरा के बाथरूम में चली जाती हैं और अंदर जाके गहरी सांस लेती हैं। लाना बाथरूम में मिरर में देखती हैं और थोड़ी देर बाद में वहां पे पानी पीने लग जाती हैं। और जब वो अपना सर वापस पानी पीकर ऊपर उठाती हैं तो वो देखती हैं कि वहां पर बेनी खड़ा है। लाना बेनी को देख के थोड़ी शॉक हो जाती हैं, लेकिन बेनी किसी एग्रेसिव अल्फा मेल की तरह लाना का हाथ पकड़ लेता है। लाना काफी घबराई हुई लग रही थी लेकिन वो बेनी के चार्मिंग अट्रैक्शन को रजिस्ट नहीं कर पा रही थी और वो बेनी को बिल्कुल भी नहीं रोक रही। बेनी लाना को नेक पे किस करता है, लेकिन जब वो लाना को लिप्स पे किस करने लगता है तो लाना पीछे हट जाती है। वो कहती है कि आज के बाद में ऐसा फिर कभी भी नहीं होना चाहिए, ये बात तुम अच्छे से समझ। जब लाना जाने लगती है तो बेनी कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो ना। तो लाना कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैं तुम्हारे साथ अफेयर नहीं कर सकती हूँ, तुम ये बात क्यों नहीं समझ। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। आज की पूरी रात लाना सिर्फ बेनी के बारे में सोचती रही। और अगले दिन सुबह वो जब क्लासरूम में जाती है तो वो देखती है कि क्लास में सभी बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं लेकिन बेनी उसको वैसे ही घूर रहा होता है। लाना बेनी को देखती है और गुस्से की नजर से समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेनी टस से मस नहीं हो रहा था। फाइनली लाना को ही नजरें झुकानी पड़ी। क्लास के बाद में बेनी चलते चलते लाना के पास आ जाता है और अपने कंधे से उसके कंधे को टच करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी। लाना को तो जैसे पता ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। लाना बेनी को स्कूल के एक कोने में ले जाती है और वो चारों तरफ देख के कहती है कि क्या कर रहे हो बेनी, देखो हमारे बीच में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कि वहाँ पे स्कूल के दो और टीचर आ जाते हैं और ये बात करते करते रुक जाते हैं। उन टीचर्स के चले जाने के बाद में और कोई आसपास नहीं होने के कंफर्मेशन के बाद लाना फिर से बेनी को कहती है अब ये सब नहीं होगा और वो कहती है कि मुझे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। बेनी यहाँ पे खड़ा खड़ा देखता ही रह जाता है और लाना वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद में लाना जब पार्किंग में अपनी कार के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसकी कार का फ्रंट मिरर टूटा हुआ है और कार में डेंट भी लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बेनी ने ये सब किया है। लाना चारों तरफ देखती है लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। लाना अपनी डॉटर को लेके वापस घर आ जाती है और जब वो गार्डनिंग कर रही होती है तो उसका हस्बैंड पूछता है कि कार में डेंट कैसे लगा, तो वो कहती है कि एक लैंप पोस्ट से टक्कर हो गई थी। तो उसका हस्बैंड कहता है कि लैंप पोस्ट से टक्कर होने पर तो ऐसे स्क्रैच नहीं पड़ते हैं। तो लाना कहती है कि ऐसा हो सकता है, तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी, तुम जाके पी लो। लाना फिलहाल इस बात को अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसको पता था कि अगर वो बताएगी तो बेनी के साथ दूसरी हुई बातें भी उसको पता चल जाएगी, इसलिए वो इस बात को अभी के लिए टाल देती है। नेक्स्ट डे लाना क्लासरूम में सभी स्टूडेंट को एक टेस्ट पेपर देती है जिसमें वो उन सभी स्टूडेंट को डच लैंग्वेज में इंटर्नशिप के बारे में लिखने को कहती है और कहती है कि आपको इसमें आपकी अपनी फेवरेट पोजीशन, कंपनी में जॉब कैसे मिलेगी, आपको कैसी जॉब पसंद है, इसके बारे में लिखना। तो कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ऐसे कितना लंबा होना चाहिए एंड सो ऑन। तो बेनी क्लासरूम में लाना को पूछता है कि क्या जॉब पाने के लिए किसी के तलवे भी चाटने पड़ेंगे क्या। तो इस बात पे लाना काफी सरप्राइज होती है और क्लास के सभी स्टूडेंट हंसने लग जाते हैं। तो लाना कहती है कि पागल हो गए हो क्या, चुपचाप मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। लेकिन अब क्लास का माहौल थोड़ा खराब हो गया और क्लास में लाना की कोई बात नहीं सुन रहा। तो लाना बेनी के पास जाकर उसका बैग उठाती है और उसके बैग को क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और कहती है कि निकलो यहाँ से और जाओ प्रिंसिपल के पास। लेकिन बेनी को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आराम से लाना को अभी भी ऐसे ही घूर रहा है। तभी वहाँ पे कोई स्टूडेंट बोर्ड पर डस्टर फेंक देता है और सारे स्टूडेंट मिलके वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं। तो लाना परेशान होके क्लासरूम से बाहर चली जाती है। अगले दिन लाना जब जंगल में जॉगिंग कर रही होती है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। काफी देर ढूंढने के बाद में भी लाना को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है।
लेकिन लाना यहाँ पे काफी डर जाती हैं और डर के मारे वापस भाग के घर पे आ जाती हैं और अपनी डॉटर को पढ़ाने लग जाती हैं। तभी लाना के घर पे फोन रिंग करता है। लाना जब फोन पिक करती हैं तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा होता है। लाना थोड़ी अपसेट हो जाती हैं। लाना वापस अपनी बेटी को पढ़ाने बैठने ही वाली थी कि वापस एक फोन रिंग करता है। उसको पता चल जाता है कि ये सब बैनी करता है। वो मन ही मन काफी डर जाती हैं और टेलीफोन के रिसीवर को नीचे ही रख देती है। इस बात से लाना काफी डर जाती हैं। अगले दिन लाना जब स्कूल में जाती है और क्लासरूम के बाहर से ही वो देखती है कि बैनी अंदर बैठा है, तो लाना बैनी को देख के काफी डर जाती है और क्लासरूम के बाहर ही कुछ सोचने जाती है। जैसे उसको अंदर जाने से उसका डर रोके जा रहा था। लाना बैनी से इतनी ज्यादा डर गई कि उसने रिसेप्शन पे जाके आज के दिन स्कूल से छुट्टी ही ले ली है और वो अपने घर पे चली जाती है और अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती है। अगले कुछ दिनों तक लाना स्कूल से ऑफ ले लेती है। उसका रूटीन यही रहता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती है। वो अपनी डॉटर को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करती है और अपने घर के पास ही लेक के सामने खड़ी होगी काफी टाइम स्पेंड करती हैं। आज लाना अकेली ही एक आर्ट गैलरी में टाइम स्पेंड करने के लिए आई हैं। इस मॉडर्न आर्ट के चाहने वाले बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए आर्ट गैलरी बिल्कुल खाली जैसी है। लाना की नजर एक खास आर्ट पे चली जाती है और लाना इस आर्ट को बहुत ध्यान से देखती हैं। तभी उसको ऐसा लगा कि बैनी उसके पीछे आ गया है और वो पीछे मुड़ के देखती है कि सच में ही बैनी वहाँ पे खड़ा है। लाना काफी घबरा जाती है और आर्ट गैलरी से बाहर चली जाती है और सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरती है और आर्ट गैलरी के दूसरे रूम में चली जाती है। लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर भी बैनी उसके पीछे पीछे आ गया है। लाना देखती है कि स्कूल में जो लड़का उसके पीछे पड़ा था, अब वो आर्ट गैलरी में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लाना बैनी से इतनी ज्यादा डर गई है कि वो उसको डायरेक्टली फेस भी नहीं कर पा रही है और बैनी अपनी ही मस्ती में लीना के पीछे ऐसे चल रहा था जैसे वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा। लाना आर्ट गैलरी के एक कोने में जाके खड़ी हो जाती है, लेकिन बैनी ठीक अब उसके पास में आके खड़ा हो जाता है। लाना कुछ देर तक सोचती है और वो वहाँ से तेजी से जाने लगती है। लाना अब नीचे के फ्लोर पे जा रही है, लेकिन वो देखती है कि नीचे के फ्लोर पे बैनी ऑलरेडी पहुँच चुका है और वो भी अब लाना को सर्च कर रहा है। लाना इससे और डर जाती हैं और अब वो भाग के वापस ऊपर चली जाती हैं। लाना अब तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ती हैं और वो लिफ्ट लेके नीचे जाना चाहती हैं। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है, लाना जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाजा बंद हो, वहाँ पे बैनी आ जाता है और वो भी लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। बैनी को देख के लाना को पता नहीं क्या हो जाता है। लिफ्ट का दरवाजा ओपन होने के बावजूद भी लाना पीछे हट जाती है और जैसे बैनी को लिफ्ट के अंदर इन्वाइट करती, वो यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर पाती। वो उससे फिजिकली इतनी अट्रैक्टेड है कि उसके डार्क मैग्नेटिज्म को वो रजिस्ट ही नहीं कर पाती थी। बैनी कहता है कि आई मिस यू। लाना गहरी सांस लेती है और बैनी उसके हेयर से थोड़ा प्ले करता है। लाना बैनी से इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड है कि वो उसको देखते ही उस पर किस करने के लिए लीन होती है, लेकिन बैनी उसको पीछे धकेल देता है। लाना को कुछ समझ नहीं आता, वो पीछे हो जाती है और कुछ देर बाद में ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। लाना की जिंदगी अजीब कसम कसमें उलझी थी कि उसकी बॉडी तो अब बैनी को चाहती है, लेकिन उसका दिमाग कहता है कि उसकी डॉटर और उसका हस्बैंड उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कुछ दिनों तक इसी कसम कसमें रही कि अब वो क्या करें, क्या वो बैनी के साथ ऐसे ही रिलेशन बनाती रहे या फिर बैनी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकाले। लाना ने मन ही मन एक ऐसा प्लान बनाया जिससे उसकी फैमिली भी सेफ हो जाए और वो बैनी से भी छुटकारा पा सके। लाना अब कई दिनों के बाद में वापस स्कूल आई है और उसने अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाया है जिसको एग्जीक्यूट करना है। वो स्कूल में छुट्टी होने के बाद में ऑफिस रूम में जाती है और चारों तरफ देखती है कि कोई है तो नहीं, और लाना यहाँ पर किसी चीज को ढूंढ रही होती है।
काफी ढूंढने के बाद में लाना को चाबियों का गुच्छा मिल जाता है और इन चाबियों से लाना अब एक अलमीरा खोल रही है। काफी चाबियां ट्राई करने के बाद में एक चाबी से अलमीरा खुल जाती है। इस अलमीरा में बहुत सारे एग्जाम के पेपर्स लिफाफों में अलग अलग रखे हुए थे। लाना इस अलमीरा से एक लिफाफे को उठाती है और उसमें से एक पेपर निकाल के अपने बैग में डाल देती है और लिफाफे को अलमीरा में रख के अलमीरा को बंद करके वहाँ से कीज लेके चुपचाप बाहर निकल जाती है। स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा होता है तो लाना सभी स्टूडेंट्स के कोड चेक करती है और उसमें से बैनी का कोड फाइंड आउट करती है और उसमें अपने द्वारा चुराया हुआ पेपर बैनी के कोट के पॉकेट में डाल देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना जब स्कूल में आती है तो वो बहुत खुश दिखाई देती है और वो देखती है कि बैनी को पेपर चोरी करने की वजह से पुलिस अब पकड़ के ले जा रही है। बैनी भी लाना को देखता है, वो देखता है कि लाना के चेहरे पे अजीब सा सुकून और अजीब सी स्माइल है। लाना आज बहुत खुश है क्योंकि उसको बैनी से छुटकारा मिल गया है। अगले दिन लाना और उसका हस्बैंड पिकनिक के लिए घर के पास ही लेक में जाते हैं और वहाँ पर काफी देर स्विम करते हैं। बैनी से छुटकारा पाने के बाद में लाना काफी खुश होती है। वो देखती है कि उसका हस्बैंड लेक में डुबकी लगा रहा है और वो भी लेक में डुबकी लगा लेते हैं। जब लाना वापस से लेक से अपना मुंह बाहर निकालती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड कहीं नहीं दिखाई दे रहा। वो काफी देर तक इधर उधर नजरें घुमाती है लेकिन उसका हस्बैंड उसको नहीं दिखाई दे रहा। लाना इस बात से काफी डर जाती है। लाना को ऐसा लगा कि बैनी वापस आ गया है और उसको सताने लगा है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका हस्बैंड लेक से बाहर आ गया है। बैनी का डर अभी भी लाना के दिमाग से पूरी तरह से गया नहीं था। लाना अगले दिन स्कूल में जाती है और वो देखती है कि बैनी की सीट अब खाली पड़ी है, लेकिन लाना को कल वाली खुशी अभी है नहीं, अभी उसको बड़ा अजीब सा लग रहा है। लाना बैनी को क्लासरूम में इमेजिन करती है, वो उसके बिताए हुए टाइम को भुला नहीं पा रही है। बार बार उसके दिमाग में बैनी आता है। बैनी को फिजिकली उसने स्कूल से बाहर निकाल दिया था, लेकिन मेंटली उसके दिमाग में बैनी पूरी तरह से घुसा हुआ था। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कुछ दिनों के बाद में लाना एक बुक स्टोर पे जाती है जहाँ पर वो अपनी डॉटर को एक बुक दिलवाती है, लेकिन उसकी डॉटर को वो बुक पसंद नहीं आती तो वो नाराज होके बुक स्टोर के दूसरे कोने में चली जाती है। तो लाना अपनी डॉटर को ढूंढ है और काफी देर ढूंढने के बाद में भी लाना को अपनी डॉटर वहाँ बुक स्टोर में नहीं मिलती है। वो परेशान हो जाती है और बुक स्टोर के मैनेजर से बात करती है और फिर वहाँ पे पुलिस भी आती है और ये लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। फुटेज में लाना देखती है कि बैनी भी खड़ा है, जिसको देख के लाना को लगा कि बैनी ने उसकी डॉटर को किडनैप कर दिया है और बहुत घबरा जाती है। तभी उसके हस्बैंड का फोन आता है। लाना उसके हस्बैंड को बताने ही वाली होती है कि उसका हस्बैंड कहता है कि अपनी डॉटर घर पे आ चुकी है, उसको कोई लड़का छोड़ के गया है। तो लाना फाइनली थोड़ी रिलैक्स होती है कि उसकी डॉटर घर पे पहुंच गई है, लेकिन लाना के लिए ये बात काफी डराने वाली थी कि बैनी इतना खतरनाक है कि वो की डॉटर को बिना बताए उसके घर पे छोड़ आया है। अब लाना को लगा कि बैनी उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिजिकली तो लाना भी बैनी से काफी अट्रैक्टेड थी, लेकिन वो मन ही मन ये जानती थी कि ये सब गलत है। फिजिकल अट्रैक्शन में वो अपनी फैमिली बर्बाद कर देगी, इसलिए वो किसी तरह से बैनी से छुटकारा पाना चाहती थी। बैनी दिन रात लाना के दिमाग में रहता, उसको सोने नहीं देता, उसको अपने हस्बैंड के करीब भी नहीं जाने देता। लाना अगले दिन बैनी से परमानेंटली छुटकारा पाने का एक प्लान बनाती। अगले दिन सुबह लाना बैनी के घर के बाहर थोड़ी दूरी पर कार लेकर खड़ी हो जाती है और बैनी का वेट कर। बैनी अपनी स्कूटी लेकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है तो लाना भी उसके पीछे भी कार चला दे। बैनी तेजी से स्कूटी चलाता है तो लाना भी उसके पीछे पीछे अपनी कार की स्पीड बढ़ा देते हैं। जो टर्न बैनी लेता वही टर्न लाना भी लेता। ऐसा लग रहा था कि लाना के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अब वो अपनी जिंदगी और मन में मची हुई उथल पुथल को जैसे हमेशा हमेशा के शांत करना चाहती है। ये चलता हुआ बैनी एक टर्न लेता है और लाना देखती है कि आसपास कोई भी व्हीकल नहीं है और बड़ी सुनसान सी जगह होने की वजह से सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। तो वो बैनी को साइड में से अपनी कार से जोर से टक्कर मारती है, जिसकी वजह से बैनी अब मर जाता है। लाना यहाँ पे रुकती नहीं है और थोड़ी डरी हुई सही अपनी कार को आगे बढ़ा देती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद में लाना अपनी कार रोकती। वो देखना चाहती है कि बैनी मरा या नहीं।
बेनी एक्चुअली में मर चुका था। लाना के मन में बेनी का डर कुछ ऐसा बैठा जिसका अंजाम बेनी के लिए बहुत दुखद हुआ। लाना ने पता नहीं सही किया गलत किया या उसने अपने मन की बात सुन ली। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ इस गाड़ी में देखे बच्चियाँ आ रही वीडियो बन रही है हाथ का बड़ा कनेक्शन करके आपे ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈਏ ਆਪ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਰਾਚੀ ਫੜ ਕੇ ਓਏ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵਹਾੜੀ ਹਾਂ हेलो ए तेरे पेरो हाड़ी में वीडियो है ए तेरे बाबे नो हाड़ी वीडियो है आवे नमस्कार हो तो जाके ये साजी नेट पे चढ़ना भी है कि नहीं नहीं उतार गई नेट पे की गिड़ी वीडियो बनाती है वाह मैं तो फिल्टर लाया सारी शक्ल आके चली आ रही है सर ओ यार ते आज ने ऐसी शक्ल की तो ये है ओ ए साफ वाल है चिट्टा देखी जरा नहीं लिया छा काम ही इना लाना ही तो सारा फायदा होना